इसराइल से इस लड़ाई में हमास का खुलकर साथ हिजबुल्ला दे रहा है। हिजबुल्ला इस लड़ाई में एक बड़ा किरदार निभा रहा है और हिजबुल्ला का बेस लेबनान के अंदर है। आज हमने लेबनान पर पूरी रिसर्च की है कि आखिर लेबनान के अंदर इस वक्त मूड क्या है, क्या वहाँ सिर्फ हिजबुल्ला ही जंग चाहता है या फिर लेबनान के लोग भी लड़ने के लिए आमादा है। रिपोर्ट देखिए। इसराइल और हमास की जंग में ऐसे ऐसे वाकये हो रहे हैं कि होश पूरी दुनिया के उड़े हुए हैं। बम गाजा में गिरता है लेकिन दर्द ईरान, तुर्की, इराक, सीरिया, जॉर्डन, कतर, लेबनान और पाकिस्तान में उठता है। लेबनान तो अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था के बावजूद इस जंग में कूदने का मन बना चुका है। वहां जंग में कूदकर इजरायल को सबक सिखाने के लिए बहुत जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। हिजबुल्ला के पीले झंडों से लेबनान फटा हुआ है। आज हमने लेबनान पर पूरी रिसर्च करके एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह लेबनान युद्ध के मोड में आ चुका है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसको हमास और इजराइल की इस जंग का दर्द बेवजह झेलना पड़ रहा है। इजिप्ट ना चाहते हुए भी इजराइल और हमास की इस खूनरेज जंग का शिकार हो रहा है। इजिप्ट के रिजॉर्ट सिटी ताबा, जहां अचानक एक के बाद एक धमाके हुए और 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इजिप्ट का इस जंग से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। इजिप्ट और इजराइल के बीच शांति समझौता भी है। इजिप्ट इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता भी देता है। लेकिन अचानक कुछ विस्फोटक आकर इजिप्ट में तबाही मचा गए। ये हमला किसने किया? इजिप्ट ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसके पास हमलावरों की फुल डिटेल आ चुकी है। इजिप्ट की आर्मी ने कहा है कि ड्रोन की वजह से शुक्रवार को लाल सागर के किनारों पर मौजूद 2 शहर दहल गए। पहला अज्ञात ड्रोन ताबा शहर में एक इमारत पर गिरा और दूसरा अज्ञात ड्रोन नोए एबा शहर के रेगिस्तानी इलाके में एक बिजली संयंत्र के पास गिरा। इजिप्ट इस घटना से चौंक गया लेकिन इजराइल के मुताबिक ये ड्रोन यमन से हूथी संगठनों ने फायर किए हैं और इन ड्रोन्स को इजराइल पर अटैक करना था लेकिन ये ड्रोन्स रास्ता भटक गए और इजिप्ट के शहरों पर गिर गए। 19 अक्टूबर को भी यमन के हूती संगठन ने 3 मिसाइल इजराइल की तरफ फायर किए थे लेकिन लाल सागर में मौजूद अमेरिका के यूएसएस कैरी ने 3 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और सागर में ही मार गिराया। सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका की पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने भी इन मिसाइलों को ट्रैक कर लिया था और बाद में इन मिसाइलों के सऊदी अरब के ऊपर आसमान से ट्रेवल करने की पुष्टि की। लेकिन इस बार हूथी ने जो ड्रोन फायर किए उसका पता कोई भी शायद इंटरसेप्टर नहीं लगा सका। हालांकि इजराइल की किस्मत अच्छी थी कि वो रास्ता भटक गए। इजिप्ट के जिस रिजॉर्ट सिटी ताबा पर यह ड्रोन हमला हुआ वो इजराइल के इलियट शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। ये पूरे वेस्ट एशिया में ईरान की ताकत है। ईरान कभी अपनी जमीन पर युद्ध नहीं लड़ेगा क्योंकि उसके रणनीतिकार बहुत होशियार हैं। ईरान की सरकार यमन, इराक और सीरिया की जमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर हमला कर रही है। इन देशों में अपनी जड़ें जमाने के लिए ईरान ने बरसों की मेहनत की है और अब वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेबनान एक ऐसा ही देश है जो जंग की चपेट में धीरे धीरे आता जा रहा है।
लेबनान के अखबार नाहार नेट ने यह रिपोर्ट किया है कि इसराइल ने ब्लीडा इलाके के पूर्वी बाहरी इलाके में फॉस्फोरस बम से हमला किया है, जिसकी वजह से वहां मौजूद आसपास के जंगलों में भारी आग लग गई थी। इन फॉस्फोरस बमों से लगी आग लंबे इलाके में फैले जंगलों तक फैल गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। इसराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि लेबनान हिजबुल्ला के कंधों पर बंदूक रखकर जंग लड़ने का जोखिम ना उठाए, क्योंकि इस बार लेबनान बहुत बुरी तरह जंग की चपेट में आ जाएगा और वो तब ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि लेबनान को हिजबुल्ला ने जंग में घसीटा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पहले ही ये कह चुके हैं कि लेबनान को इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो दूसरी जंग लड़ने के काबिल ही नहीं बचेगा। אתם הורגים אנשי חיזבאללה שמנסים לתקוף את קו החזית שלנו. אני לא יודע עכשיו, כשאני נמצא איתכם, אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה. לבנן की सरकार भी पूरी तरह युद्ध में कूदती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मेकाती ने दक्षिण लेबनान के युद्ध से प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और बेहद संतुलित बयान देते हुए कहा है कि साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव नंबर 1701 को पास किया था और इस प्रस्ताव के मुताबिक 2006 में लेबनान और इसराइल के बीच युद्ध विराम करवाया गया था। उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि दक्षिण लेबनान के तनाव के इलाकों में शांति सैनिक तैनात किए जाएंगे और हथियारों को घटाया जाएगा ताकि युद्ध न बढ़े। लेकिन इसराइल कई सालों से ये कह रहा है कि हिजबुल्ला संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को तोड़ रहा है, लेकिन हम दक्षिण लेबनान इसलिए आए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव का पालन करते हुए लेबनान में शांति बनाई रखी जाए। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री युद्ध के पक्ष में नहीं है, क्योंकि लेबनान की आर्थिक स्थिति काफी खराब है और युद्ध झेलने की हालत में है ही नहीं। लेकिन लेबनान में हिजबुल्ला एक ताकतवर चरमपंथी संगठन है जो कि लगातार इसराइल से उलझा हुआ है। अब तक जो रिपोर्ट आई है उससे ये पता चलता है कि लगभग 3 हफ्तों से चल रहे इस युद्ध में हिजबुल्ला के 45 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हो चुकी है और अकेले इसी हफ्ते में 20 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हो चुकी है। यानी जंग में हिजबुल्ला खून बहा रहा है और वो बार बार ये धमकी दे रहा है कि अगर गाजा के अंदर इसराइल की फोर्स घुसी तो इसराइल पर उत्तर से कयामत टूटेगी। यानी इसराइल के सिर पर कयामत टूटेगी। लेकिन इसराइल हिजबुल्ला के तमाम बेसों पर हमला करके फॉरवर्ड प्लानिंग से काम कर रहा है और हिजबुल्ला के ठिकानों को बुरी तरह से तहस नहस कर रहा है। और जैसे जैसे हिजबुल्ला का खून बह रहा है वैसे वैसे लेबनान में बवाल और हंगामा बढ़ता जा रहा है। गाजा को लेकर अगर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन आज तक किसी मुस्लिम बहुल देश में हुए हैं तो वो लेबनान है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का आयोजन भी हिजबुल्ला ही करवा रहा है, क्योंकि उसके पीले झंडे हर तरफ नजर आ रहे हैं। यहाँ लोगों के अंदर इसराइल के खिलाफ मौजूद गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। لانه دقنا هيدا المجازر من قبل من قبل الكيان الصهيوني، فنحن قادرين نحس بهيدي المعاناه اللي عم يمرقوا فيها اهلنا بفلسطين واطفال غزه، منشان هيك نحن اذا بدكم بنحس فيها من جوا، ونحن اكيد منطالب بوقف. गाजा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका असर पूरे वेस्ट एशिया पर पड़ रहा है।
जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि अगर ये हमला नहीं रुका तो पूरा इलाका डीस्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो लेबनान के अंदर अस्थिरता पैदा होती दिख रही है। यहाँ विरोध प्रदर्शनों में इस्लामी सरकारों से फौरन एक्शन लेने का दबाव डाला जा रहा है। We are pressurizing on the Arab governments and international community to help the Palestinian Kurds. हिजबुल्ला के लड़ाकों को इसराइल जिस तरह चुन चुन कर मार रहा है, लेबनान के मुल्ला मौलवियों और मुफ्तियों के अंदर भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये वो लॉबी है जिसका असर होता है। और माउंट लेबनान के मुफ्ती शेख मोहम्मद अली अल जोजो ने बाइडन और अमेरिका पर बहुत अपमानजनक टिप्पणियां करते हुए कहा है कि अमेरिका का स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी सिर्फ एक छलावा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन इतिहास के कूड़ेदान में फेंके जाएंगे। लोग एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो गाजा के लोगों के एक सामान्य संगठन से लड़ने के लिए अमेरिका के बेड़े को गाजा तक लेकर आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहूदियों की सेवा के लिए युद्ध संसाधन जुटाए हैं। हम एक तुच्छ आदमी को देख रहे हैं जो यूरोपीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। इस राष्ट्रपति का काम जायोनी वादियों के दरबार में एक सेवक का है। हम धैर्य रखेंगे और हम इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में शूरवीर फिलिस्तीनियों को आजाद कर पाएंगे। साफ समझ में आता है कि लेबनान के अंदर नफरत की आग किसी सुनियोजित तरीके से सुलगाई जा रही है और ये सब लेबनान के अंदर जारी विरोध प्रदर्शनों में साफ नजर भी आ रहा है। نحن لا شك نحن في المعركه في المعركه نحن في هذا الحد مع غزه انما التكتيكات كيف نذهب الى المواجهه هذه متروكه لقياده حزب الله ولقياده البداك مستقبلنا مع اطفال فلسطين نحن مش مع تدمير الامم نحن مع حق الامم وين ما كان مع كل شيء ضد امريكا الاستعماريه اللي بدها تهيمن على العالم وتسرق العالم इन प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या लेबनान के अंदर मौजूद फिलिस्तीन के शरणार्थियों की है जो गाजा को जलता देखकर दुखी हो रहे हैं। احنا متضامنين مع غزة ومع اهل غزة وضد كل اللي عم بيصير بغزة عشان هيك احنا جايين نتضامن معهم। लेकिन इस तरह के बयानों से जंग में जीत और हार तय नहीं होती है। इसराइल के रक्षा मंत्री योग गैलेंट पहले ही कह चुके हैं कि इस युद्ध में इसराइल का बदला ये तय करेगा कि अगले 75 साल तक इसराइल की जमीन पर रहेगा या नहीं। अभी तक हिजबुल्ला के 45 से ज्यादा लड़ाकों के मारे जाने की खबर आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल के रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि अभी वो युद्ध को विस्तार नहीं देना चाहते हैं। בחזית הדרומית כנגד חמאס. אנחנו מוכנים לכל התפתחות בצפון. חיזבאללה סופג נפגעים רבים. יחד עם זה, אין לנו עניין להרחיב את המלחמה. אם נידרש לעניין הזה, נדע מה לעשות. הכוחות מוכנים בהגנה. נוט करने वाली बात ये है कि जब इजराइल नॉर्दर्न बॉर्डर पर युद्ध का विस्तार नहीं चाहता है, तब 45 से ज्यादा हिजबुल्ला लड़ाके मर चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इसराइल युद्ध का विस्तार कर देगा तो फिर हिजबुल्ला की क्या हालत होगी।